दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले गए दूसरे T20I मैच में रियान पराग ने कुछ ऐसा किया जिससे वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। रियान पराग का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी अतरंगी एक्शन के चक्कर में अपनी फजीहत करा बैठे। जब भी रियान के हाथों में गेंद आती है तो वो कुछ नया करने का प्रयास करते रहते हैं। वहीं वो मलिंगा की तरह बॉलिंग एक्शन करने की कोशिश करते हैं तो कभी वो अपनी स्पीड से बैटर्स को खूब परेशान करते हैं। वहीं इस बार दूसरे T20I मैच में उन्होंने तो हद पार कर दी। रियान ने विकेट के बाहर जाकर गेंदबाजी की जिसके बाद अंपायर ने उन्हें सजा भी दी है। दरअसल भारत बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे T20I मैच के दौरान बांग्लादेश की पारी के 11वें ओवर में रियान पराग ने कुछ ऐसा किया जिसके बाद वो चर्चा में है। इस ओवर में रियान ने कुछ अलग तरीके से गेंदबाजी करने का प्रयास किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने मलिंगा के एक्शन में गेंदबाजी कर महमूदुल्ला को चौंकाना चाहा, लेकिन उनके इस अरमानों पर पानी फिर गया। वो अपनी ही फजहत करा बैठे। अंपायर ने ये गेंद नो बॉल करार दी। कानून 21 का उल्लंघन करते हुए रियान पाए गए। अगर बात करें इस नियम की तो इंटरनेशनल क्रिकेट में गेंदबाजी का ये नियम के अनुसार गेंद फेंकते वक्त गेंद का पिछल और अंदर आना चाहिए और उसकी डिलीवरी के बताए हुए तरीके से संबंधित रिटर्न क्रीज को नहीं छूना चाहिए। जब रियान ने गेंद फेंकी तो उसका बैकफुट रिटर्न क्रीज के करीब भी नहीं था, जिस हिसाब से ये गेंद नो बॉल रही। वहीं अगर मैच की बात करें तो आपको बता दें भारतीय टीम के युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे T20I में दो बड़ी उपलब्धि हासिल की। वो पहले भारतीय खिलाड़ी बने जिन्होंने एक ही मैच में 70 से ज्यादा रन की पारी खेली और गेंदबाजी करते हुए दो विकेट चटकाए। अभी तक T20I में कोई भारतीय ऐसा नहीं कर सका। इसके साथ ही दूसरे युवा भारतीय खिलाड़ी बने जिसने प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब जीता। दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। तीन विकेट जल्दी गंवाने के बाद नीतीश रेड्डी और रिंकू सिंह ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए बड़े स्कोर की नींव रखी। रिंकू सिंह और नीतीश के बीच चौथे विकेट के लिए 108 रनों की साझेदारी हुई। इस दौरान नीतीश रेड्डी ने अपना पहला T20I अर्धशतक जड़ा। आपको बता दें नीतीश कुमार रेड्डी हैदराबाद के लिए खेलते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या हैदराबाद उन्हें रिटेन करती है या रिलीज। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे क्रिकेट की तमाम वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें क्रिकेट केसरी।